अपना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं कादर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ककरेटी को प्रशासन ने आरोग्य धाम बनाकर विशेष दर्जा दिया ताकि मरीजों का उचित इलाज हो सके। ककरेटी के आरोग्य धाम में जहां स्वास्थ्य केंद्र को सुविधायुक्त बनाने के लिए मेंटेनेंस के लिए 6.5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, लेकिन 6.5 लाख रुपए में नाम मात्र लगभग 2 लाख रुपए का ही मेंटेनेंस कराकर लीपा पोती कर बाकी राशि का कागजों में कार्य दिखाकर भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। स्वीकृत राशि से अस्पताल के सामने नाम मात्र की सीसी, हल्का फुल्का लाइट का मेंटेनेंस और साफ सफाई तथा सीवेज रोकने के नाम पर अस्पताल की छत पर सीमेंट की पुताई मात्र की गई। यहां जो पहले तार लगे हुए थे जिनकी फेंसिंग थी उसे भी निकलवा दिया गया। परिणाम अस्पताल के चारों तरफ खुला पड़ा है, जिसकी वजह से आवारा जानवर बेधड़क अस्पताल परिसर में घुस रहे हैं, जिससे अस्पताल परिसर में गंदगी तो फैल रही है, साथ ही साथ नवजात बच्चे भी सुरक्षित पर खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस अव्यवस्था और अनियमितताओं की जांच करने की मांग की है। शहर में वैसे भी खेल मैदानों की कमी है और जो है उन पर अवैध रूप से कब्जा कर पार्किंग के रूप में उपयोग किया जा रहा है। शहर के बीच स्थित तलैया फील्ड, जो कभी आरपी स्कूल का खेल मैदान हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे खेल एवं युवक कल्याण विभाग को सौंप दिया गया। इस मैदान में कई खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा है, लेकिन लंबे समय से मैदान खराब होने के कारण यहाँ खेल नहीं होते। इस मैदान में स्थानीय बच्चे खेलने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन इन दिनों यहाँ हो रहे अवैध वाहन पार्किंग के चलते बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं मिलती। तलैया फील्ड ही नहीं, पास ही स्थित बीटीआई चौराहे पर चारों ओर अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग हो रही है। बस और ट्रक जैसे बड़े वाहन यहां खड़े हो जाते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था तो बाधित होती है, साथ ही हादसों की आशंका भी बनी रहती है। हाल ही में बीटीआई चौराहे पर खड़े एक ट्रक से टकरा कर 4 युवक बुरी तरह घायल हुए थे, जिसमें एक की हालत अभी भी गंभीर है। बावजूद इसके आज तक यहां अवैध वाहनों की पार्किंग पर यातायात पुलिस और जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब तो सड़क के साथ मैदान में भी अवैध पार्किंग होने लगी है, जिससे यहां खेलने वाले बच्चों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। शहर के इन खिलाड़ियों की कोई सुनने वाला नहीं है। कहने को यह मैदान खेल एवं युवक कल्याण का खेल मैदान है, जिसे विभाग ने हॉकी ग्राउंड का नाम दिया है, लेकिन यहाँ हॉकी खेलने की कोई जगह ही शेष नहीं है। वाहनों की अवैध पार्किंग के चलते मैदान को देखकर लगता है कि यहाँ वर्षों से वाहनों को ही पार्क किया जाता रहा होगा। इस दिशा में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बच्चों से उनका मैदान ही छिन सकता है। इस ग्राउंड का दुर्भाग्य है, जब से ये धर्मसागर की खुदाई हुई है, इसकी मिट्टी यहाँ पर डली है, ये ग्राउंड नहीं रह गया है। यहाँ पर रात को दारूखोर बैठते हैं, यहाँ पर उनके शराब का अड्डा बना हुआ है, सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ये ट्रक वगैरह आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरे दिन यहीं खड़े रहते हैं। बच्चों को खेलने के लिए कोई स्थान यहाँ पर रह नहीं गया है, इसकी बहुत दुर्दशा हो चुकी है। इसके लिए मैंने 181 पे यहाँ पर रिपोर्ट भी की थी एक बार, तो कुछ नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए इसकी व्यवस्था, किस प्रकार से होनी चाहिए? इसकी चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बननी चाहिए और ग्राउंड का अच्छे मेंटेनेंस होना चाहिए। बच्चे जो खेलने आते हैं उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अवैध ट्रक वगैरह और जो है बसें वगैरह खड़ी रहती है। आप देख सकते हैं ग्राउंड की हालत, पूरे गड्ढे पड़े हुए हैं इसमें, कभी भी किसी बच्चे को खेलते हुए चोट लग सकती है इसमें। 40 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला पंचायत पन्ना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने शनिवार को जिला स्तरीय निरीक्षण दल के साथ विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दल में डाइट प्रचार आरपी भटनागर एवं सर्व शिक्षा अभियान के उपयंत्री अरविंद सिंह गौर भी साथ थे। औचक निरीक्षण के दौरान सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के दौरान कई स्कूल बंद मिले और कई जगह शिक्षक या तो अनुपस्थित थे या विलम्ब से पहुंचे थे। निरीक्षण दल ने शहर की 9 शालाओं का निरीक्षण किया, जिसमें शासकीय आदर्श माध्यमिक शाला बड़ा बाजार, शासकीय माध्यमिक शाला सीनियर बेसिक, शासकीय माध्यमिक शाला मनरपन्ना, शासकीय प्राथमिक शाला इंदपुरी कॉलोनी, शासकीय माध्यमिक शाला सीनियर बेसिक, शासकीय माध्यमिक शाला टिकुरिया पन्ना के 40 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। बोलेरो और बाइक की भिड़ंत से हुआ हादसा। पन्ना जगड़ मार्ग पर आज दोपहर एक बाइक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन से टकरा गई। इस हादसे में 2 युवक बुरी तरह से घायल हुए। राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर अवस्था के चलते ग्वालियर के लिए रेफर किया गया है। बताया जाता है कि बोलेरो वाहन ने ग्राम पांडेपुरवा के पास एक बाइक को ठोकर मारी। इस बाइक में 2 युवक सवार थे, दोनों उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं और पन्ना में किसी परीक्षा में शामिल होकर वापस बांदा जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।
इस हादसे में दोनों युवक को गंभीर चोटें आईं। बताया जाता है कि बोलेरो चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर शासन प्रशासन को इन दिव्यांग की याद आती है और कुछ कार्यक्रम आयोजित कर दिन खत्म हो जाता है। वास्तव में दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने मजबूत इरादों के दम पर किसी सामान्य व्यक्ति की तरह ही शान से जिंदगी बिताते हैं। दिव्यांग होने का इन्हें जरा भी मलाल नहीं है, ना ही किसी से मदद की अपेक्षा। ऐसे ही कुछ सतर्क दिव्यांग व्यक्तियों पर केंद्रित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आज पूरी दुनिया में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पन्ना के दो ऐसे दिव्यांगों की जिंदगी की कहानी बताना जरूरी है जिन्होंने अपने दम पर अपने जीवन की सफलता की कहानी खुद लिखी। हम बात कर रहे हैं नीतीश पाठक की, जिनकी उम्र 34 वर्ष है, जन्म से मूक बधिर दिव्यांग है और वर्ग 3 में शासकीय स्कूल में शिक्षक है। नीतीश पाठक को बचपन से ही चित्रकला और पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। इनके पिता डीडी पाठक ने इनका हौसला गिरने नहीं दिया और प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक और हाई सेकेंडरी तक की शिक्षा पन्ना के प्राइवेट स्कूलों में दिलाई। इसके बाद नितेश पाठक ने वर्ष 2006 में वर्ग 3 की परीक्षा उत्तीर्ण कर गुनौर ब्लॉक के ग्राम मंगरेला के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक के तौर पर पदस्थ हुए। नितेश के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि नितेश को बचपन से ही चित्रकला का विशेष शौक था और उनकी कई पेंटिंग उनके घर में देखी गई, जो वास्तव में कुछ हटके ही है। नितेश पाठक की शादी भी एक दिव्यांग मूक बधिर लड़की के साथ हुई, जिनका नाम लक्ष्मी पाठक है। अपने गृहस्थ जीवन में नीतीश पाठक और उनकी पत्नी लक्ष्मी पाठक बड़े ही अलग अंदाज में अपना जीवन जी रहे हैं। नीतीश पाठक मोबाइल से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात भी करते हैं और ट्रैवलिंग के लिए टूर व्हीलर गाड़ी भी बड़े आराम से चलाते हैं। वहीं अगर नीतीश पाठक की दिनचर्या पर ध्यान दिया जाए तो वह बड़े ही टाइम टेबल के साथ सुबह से ही अपने जीवन की दिनचर्या का आगाज करते हैं। सर्वप्रथम अपनी माँ का विशेष ध्यान देते हैं। इनकी माँ भी बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन नीतीश पाठक सुबह से ही अपनी माँ का विशेष ध्यान देते हैं। उन्हें चाय पिलाना, नाश्ता कराना और उसके बाद फिर खुद नहा धोकर खाना खाकर अपने स्कूल की तरफ चल देना, यह इनका दिनचर्या का विशेष काम है। नीतीश पाठक के परिवार में एक भाई, दो बहनें और माता पिता हैं। बहनों की शादी हो चुकी है और घर में अब अपनी धर्म पत्नी के साथ अपने भाई और माता पिता के साथ आम आदमी से भी अच्छा जीवन जी रहे हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपनी कमी को मात देकर बेहतर जीवन जीने का हुनर सिखाया है, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। बचपन से ही एक तो वो स्वयं खुद लगनशील रहा है और हम लोग भी सब परिवार के सहयोग से उसकी मदद करते रहे हैं और उसकी भावनाओं को समझते रहे हैं धीरे धीरे, कह गए थे इस प्रकार से वो। क्या बचपन से ही मूक बधिर थे? हाँ, ये बचपन से ही मूक बधिर थे। फिर इनको क्या कहते हैं, यहाँ पर एक कॉन्वेंट स्कूल था, उसमें भर्ती कराया गया था। तो क्या इनकी जो रुचि पढ़ाई में थी वो बचपन से अच्छी थी, और ऐसे कौन से काम है जिनमें सबसे ज़्यादा रुचि थी? उसकी चित्रकला में सबसे ज़्यादा रुचि थी, और क्या कहते हैं, एक्टिविटीज़ जैसे स्काउटिंग वगैरह में भी काफ़ी वो भाग लेता था, डांस वगैरह सब स्कूल एक्टिविटीज़ में भाग। आज की पोजीशन पर कहाँ पर हैं वो? आज वो क्या कहते हैं, सहायक शिक्षक है, और मिसेज भी उनकी विकलांग है। परिवार में क्या क्या काम करते हैं, परिवार के वालिदार के काम क्या है? कोई भी काम हो, सब काम वो अपने बहुत दक्षता के साथ करता है। अच्छा, जैसे और भी बच्चे जैसे विकलांग होते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप, कैसा उनको? हमेशा उनके सहानुभूतिपूर्वक उनसे व्यवहार करना चाहिए, और हताश नहीं होना चाहिए, ना उनको हताशा दिख आना चाहिए, ना उनको प्रोत्साहित करना चाहिए हमेशा हर काम के। उनमें क्षमताएं तो होती हैं, उनको विकसित करना पड़ता है। वहीं दोनों पैरों से दिव्यांग नीरज रैकवार, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, वे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो इंसान पूरे शरीर से सही सलामत होने के बावजूद भी अपने जीवन में खुश रहने के लिए जद्दोजहद करता नजर आता है, लेकिन आगरा मोहल्ला निवासी नीरज रैकवार इनसे अलग हैं। जन्म से ही दोनों पैरों से दिव्यांग थे। उनके पिता परशुत्तम लाल रैकवार की एक छोटी सी चाय की दुकान हुआ करती थी और नीरज रैकवार बचपन से ही अपने पिता के साथ चाय की दुकान में बैठा करते थे। पिता के साथ साथ नीरज रैकवार ने भी कुछ करने का जज्बा दिखाने के लिए अपनी माँ से 200 रुपए लेकर एक पान का डिब्बा खोलकर अपने धंधे की शुरुआत की।
वर्ष 2003 में नीरज रैकवार ने एक छोटी सी पान का डिब्बा खोला और आज की स्थिति में नीरज रैकवार के पास पन्ना का एक ऐसा पान पैलेस है जो पूरे पन्ना में किसी के पास नहीं है। अपनी दुकान की सजावट नीरज अपने ही ढंग से करते हैं। नीरज रैकवार ने 2 लाख की पगड़ी देकर जिला अस्पताल के पास 2 दुकानों के किराए से लिया और लगभग 1.5 लाख की लागत से अपनी दुकान को तैयार की। आज की स्थिति में नीरज रैकवार अपने पान पैलेस की दुकान से रोजाना 500 कमाते हैं। वहीं नीरज ने अपने धंधे को और बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 2017 में 2 लाख का लोन लेकर अपने धंधे को और आगे बढ़ाया है। नीरज रैकवार को अपने घर में अपनी माँ के साथ रहते हैं। नीरज रैकवार अपनी पान पैलेस की दुकान के अलावा गृहस्थ जीवन का पूरा कार्य करते हैं। अपने घर का खर्च भी खुद उठाते हैं और अपनी माँ की देखभाल भी खुद करते हैं। नीरज ने अपने हौसलों के बल पर यह मुकाम पाया है कि आज उनकी शारीरिक अक्षमता कोई मायने नहीं रखती, वे किसी सामान्य व्यक्ति से कम नहीं है। नीरज जैसे किरदार जिंदगी में सबको एक नया सबक दे रहे हैं। 25 साल हो गए कहते हुए तीरथ को हालत है, पहले डब्बा रखे रहो वो, फिर बाद में उन्हें पान की दुकान ले जा अस्पताल से मिली उठा, फिर वो अपने पान की दुकान चला। मेहनत बहुत करे वो शुरू से ऐसे ही है, लेकिन है विकलांगता करे तब वो अपन करत रहा घर घर से चला। अपनी मम्मी या पापा है नहीं, मम्मी उनको अपनो खर्चा सब कुछ चलाता ही पान डब्बा से। मेहनत बहुत करा, सवेरे से जो बैठा थे मतलब 8 बजे से फिर रात के 11 बजे उतरने। अच्छा, ऐसे जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको इनसे क्या मैसेज लेना चाहिए कि मतलब ये इतना हटके हैं और विकलांग, और विकलांग तो भीख भी मांगा था, खाओ उठपटांग भी काम कर लें, लेकिन वे सब चीज़ें में नहीं है जी। मेहनत करके खाओ, जब आप 10 रुपया दो इनको हराम को तो नहीं चाहने, इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए बाकी लोगों। हाँ कि भैया एक विकलांग अगर ऐसा कर भाई, इनके सामने तो 2 पाँव वाले सही आदमी भी खराब लगत भाई। एक विकलांग आदमी ऐसा अपने घर परिवार चला रहो और अच्छे आदमी नहीं चला पा रहे, ठाठ बाठ लेन देन अच्छो खास करबो धरबो उस हिसाब से मेहनत बहुत ज़्यादा कराओ काम करा रहा था अपने। मैं शुरू से ही विकलांग था और मेरे पिताजी चाय और पान का डब्बा करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं डब्बे में बैठने लगा और फिर समझ में आया कि मैं विकलांग हूँ। उसके बाद मैंने 2003 में डब्बा में बैठना चालू किया और उसके बाद उसको धीरे धीरे चलाना चालू किया। 200-300 रुपये की लागत माँ से या पिताजी से लिए, उसमें लगाए और फिर उसको चलाया, जिसमें 2-3 साल वहाँ डब्बा था अस्पताल के सामने, फिर उसके सामने फिर 2-3 साल उसके सामने भी था। हाँ, फिर उसके बाद पक्की दुकान जो अस्पताल ने बनी मैंने ली पगड़ी देकर, 2 दुकान ली, एक सोने एक चलाने के लिए। और तो यहीं सोते हैं, यहीं पे दुकान चलाते हैं? हाँ, अभी मेरा घर मकान नहीं है, मैं यहीं सोता हूँ। अच्छा, तो आज की डेट में आप कितनी अच्छी पोजीशन पे आ गए? पहले से बहुत अच्छी पोजीशन में है, जो बनने में ऐसे कोई दुकान नहीं है। आज की डेट में आपकी दुकान की कितनी लागत से बनाई होगी और कितना किराया देते हैं और कितने से इसकी पगड़ी जमा की थी? इसकी पगड़ी 2 लाख रुपये जमा की थी, फिर उसके बाद 2-3 लाख की लागत दुकान में लगाई, उसको बनवाया फर्नीचर द्वारा, इसकी लागत 1.5 लाख रुपए करीबन लाइट आइट समेत आई। आज के दिन में कितना रुपए रोज कमाते होंगे आप? 2500 रुपए रोज मान लो। क्या अपने जैसे जो विकलांग साथी है उनको क्या मैसेज देंगे कि जो है वो किसी के सामने हाथ ना फैलाएं? हाँ, वो अपना खुद मेहनत करें और खाएं। स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। विधानसभा चुनाव को लेकर पन्ना जिले की 3 विधानसभाओं पवई, गुनौर एवं पन्ना के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पन्ना परिसर में अलग अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए। मतदान के बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों को व्यवस्थित रूप से रखकर स्ट्रांग रूमों को भलीभांति सील कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज खत्री द्वारा इन स्ट्रांग रूमों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार की सुबह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खत्री पॉलिटेक्निक कॉलेज पन्ना पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत मतदान में प्रयुक्त ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम के लिए 2 घेराबंदी सुरक्षा इंतजाम 24 घंटे के लिए किया गया है। साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में
मतदान में प्रयुक्त ईवीएम की सुरक्षा हेतु केंद्रीय सुरक्षा बल का एक प्लाटून का सुरक्षा दस्ता तैनात किया गया है।